डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 43 को। आज इसको कम्प्लीटली समाप्त कर देंगे और ये क्लास 5 का मैथ बुक है, चैप्टर 7 डेसिमल चैप्टर है ये। और इसमें दिया हुआ है 43 में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो इसे मल्टीप्लाई ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब तक जो बच्चे नहीं जानते हैं, पॉइंट देख कर वो घबरा जाते हैं। इसमें पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट वाला मल्टीप्लाई है, तो बच्चे जैसे ही इसको देखते हैं वो घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये तो गलत हो ही जाएगा। तो ऐसा सोचते हैं तो और गलत होता ही है। तो इसको कैसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत आसान होता है। 10 से 100 से 1000 से इस तरह का अगर मल्टीप्लाई पॉइंट में दिया हुआ हो तो आसानी से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आप इतना समझ लीजिए कि नेचुरली जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी चीज़ से, तो वो बढ़ता है, कई बार घटता भी है। लेकिन अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जीरो हो जाता है, या वन से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जितना रहता है उतना ही रहता है, लेकिन और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो बढ़ता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ भी बढ़ेगा। तो बढ़ना क्या है, ये एक जीरो है, सीधा सीधी कुछ नहीं करना आप लोगों को, ये पॉइंट उठा के एक बार इधर कर देना, ये बढ़ गया। ये 100 में था यहाँ पे 895, अब ये 1000 में हो गया, मतलब बढ़ रहा है। तो मल्टीप्लाई में आपको बढ़ाना है, जितना जीरो उतना बार इसको इधर करते जाना। अगर एक जीरो है तो एक बार करेंगे, दो जीरो है, यहाँ दो जीरो है, इस पॉइंट को उठा के दो बार यहाँ पे इधर करेंगे हम, एक यहाँ जाएगा फिर दोबारा यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ चला जाएगा। इस तरह से ये आसानी से बन सकता है। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, हमको पॉइंट एक बार इधर करना है, तो इसको 8956 उसके बाद पॉइंट देंगे 2, बस ये आंसर हो गया इसका, कितना आसान है। अब इस पॉइंट को हम एक बार फिर करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 9.03, ये आंसर हो गया इसका। ये काफ़ी ईजी था, इसीलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया ताकि आप लोगों को बनाकर दिखा सकूँ। और इसमें भी वो एक जीरो हो गया, 10 दिया हुआ है, मतलब इसको एक बार हम इधर करेंगे तो 935 इतना हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। इसको जो 100 से दिया हुआ है तो इसको दो बार करेंगे, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5673.8, बस यही तो इसका आंसर है, खत्म हो गया। इसी तरह से इसमें भी 100 दिया हुआ है, यहाँ से 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 108.9, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया कम्प्लीट। अब यहाँ पे 100 दिया हुआ है तो यहाँ पे इसके बाद एक ही ठो है, तो फिर दो बार कैसे जाएंगे, तो जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, इस तरह से जा सकते हैं 83, एक बार ये हो गया, और दोबारा जाने की जगह नहीं है तो हम जीरो लगाएंगे, जीरो, ये आंसर हो गया इसका कम्प्लीटली, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन में 1000 दिया हुआ है, तो इसी तरह से जिसमें जाने की जगह नहीं रहेगा उसमें हम जीरो लगाते जाएंगे। तो एक बार, दो बार, दो बार गए और हमको जीरो यहाँ पर 3 है, तो 3 बार हमको जाना है। तो ये अगर इतना लिखते हैं तो दो बार गए, इसका मतलब एक जीरो और लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि हम 3 बार चले गए, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये हो गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरह से अगर दिया हुआ है तो सिंपली आपको कहीं पॉइंट नहीं देना है। इस तरह का मल्टीप्लाई मैं पहले भी बता चुका आप लोगों को, तो इसमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं लिखना, कोई भी पॉइंट नहीं देना है। मल्टीप्लाई आप लिखिए यहाँ पे और जो है पॉइंट मत दीजिए, यहाँ 36 कर दीजिए डायरेक्ट और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद लास्ट में जो आंसर आएगा उसको गिनिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक है तो पॉइंट के मतलब पॉइंट के बाद एक ही होना चाहिए, मतलब एक छोड़ के पॉइंट इधर दे दीजिए, यहाँ पे पॉइंट दीजिए, ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट्स के बाद एक है तो इधर से हम एक गिनते हुए पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ पे 7.2 हो जाएगा, बस ये इसका आंसर हो गया, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे इसको पॉइंट के बाद कितना है, 2 है, तो इधर से गिनिए आप 2 ठो, तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आया, बस ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा यहाँ पे दो बार गिनना है और यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, मैं दूसरे पेज में आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली उसमें बना हुआ है, कई बार बनाते समय मिस्टेक भी हो जाता है, तो दूसरे पेज में बना हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 12 में ये डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप ये गिन लीजिए 1, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 है, तो इधर से आप 1 डिजिट के बाद जो है यहाँ पे आप लगा दीजिए पॉइंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उसमें भी वही करना है, मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया हुआ है बस उसमें 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है, तो इधर से 2 डिजिट आप लीजिए 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगाइए और आपका आंसर आ गया, ये हो गया। उसी तरह से इसमें भी 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए, आंसर आ गया। यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 यहाँ पे आप पॉइंट लगाइए और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये क्वेश्चन नंबर 16 और 16 पे आप देख रहे हैं 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम 3 डिजिट के बाद लगाएंगे 1 2 3 यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट,
क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद दो डिजिट के बाद है तो 1 2, इसके बाद हम लगाते हैं, ये इसका आंसर हो गया। 18 में 3 डिजिट तो यहाँ पे लगाते हैं और ये इसका आंसर हो गया, काफ़ी आसान है। 19, क्वेश्चन नंबर 19 में 2 डिजिट के बाद तो 1 2 यहाँ पे लगाइए, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कितना है, 1 2 3 यहाँ पे आप देख रहे हैं, 1 2 3 तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाइए और ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, सिर्फ समझने का फेर होता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 43 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। बच्चों, अगर आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम होता है, समझने में कोई दिक्कत होता है, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से कुछ भी मदद मिल रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।